आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैट में जो ऑटोमेटिक सेव होता है, मिसाल के तौर पर इसमें अभी हम काम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है या आपके कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिक सेव होती रहे, उसका कैसे ऑप्शन हम सेट करेंगे। वो OP एंटर, ठीक है, ये आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो थर्ड वाला है ओपन एंड सेव, इसमें आप आके नीचे ऑटो सेव, अगर आपने नहीं करना है ऑटो सेव तो ये टिक मार ख़त्म करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने सेव ऑटोमेटिक करनी है तो आप इधर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना आप रखेंगे, मैंने 2 मिनट पे रखा है, 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल एस दबाओगे भी नहीं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। नीचे इसके नीचे ये क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव, अगर ये आप टिक मार्क ये होगा तो आप जब ड्राइंग सेव करेंगे तो उसका एक बैकअप भी आपके फोल्डर में आएगा साथ में वाइट कलर का, लेकिन मैंने वो नहीं रखा है, मुझे वो नहीं चाहिए। ये मैंने टिक मार्क ख़त्म की है, अभी नहीं आएगा वो। और ड्राइंग आपने कौन से वर्जन में सेव करनी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2018 है लेकिन मैं सेव 2007 में करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइंग आप किसी को दो या किसी और सिस्टम में तो उसमें फिर वो ओपन नहीं होता, तो 2007 मैंने रखा हुआ है DWG। यही था तरीका, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।